तमाम शंकाओं के बीच आज से शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र की पहले दिन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कोरोना के चलते स्थगित हो चुकी है। 26 मार्च तक सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। इस बीच सदन में फ्लोर टेस्ट कराने का भी मुद्दा गूंजा। मेरे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुराग पटेरिया हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सदन की कार्रवाई कैसी रही? देखिए, मुझे लगता है जो कुछ होना था वही हुआ है, एज पर द एक्सपेक्टेशन सब कुछ हुआ है। देखिए, दो तीन दिन का पिछला जो घटनाक्रम था वो बहुत स्पष्ट हो चुका था। राज्यपाल ने एक संदेश भेजा था कि आप बहुमत का परीक्षण अभिभाषण के बाद कराएं। सरकार ने अभिभाषण के बाद बहुमत का परीक्षण नहीं कराया, यानी कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति पैदा हो गई। राज्यपाल एक पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री ने आज सुबह उनको एक पत्र लिखा कि आपका गलत है। तो मुझे लगता है कि टकराव के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं था और उसी की परिणति आज विधानसभा के 26 तारीख तक के लिए स्थगित करने की हुई। दूसरी, इसका संदेश एनपी प्रजापति के ट्वीट से मिल गया था, जिसमें कहा गया था कोरोना के कारण से 26 तक हम स्थगित करते हैं। बाद में उन्हें डिनाई कर दिया था। दरअसल कई बार प्रीमैच्योर डिलीवरी जो हो जाती है उसके कारण ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं, लेकिन संदेश और सूचनाएं साफ थी। पिछले दो दिन से मध्य प्रदेश के मंत्री जिस तरह से कोरोना कोरोना का गाना गा रहे थे, वो वास्तव में डरो ना था, और जबकि होना चाहिए था करोना करोना। सर, 26 तक सदन स्थगित हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग, दोनों पक्षों के विधायक हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का कितना खतरा? देखिए, अब हॉर्स ट्रेडिंग जो होना थी वो हो चुकी है, अस्तबल में घोड़े आ चुके हैं, अब कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। जो आएगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोरम पूरा हो चुका है, अब जितना आएगा वो बैगेज है। सर, बेंगलोर में जो विधायक हैं उनकी क्या संख्या है? देखिए, वो तो कम्प्लीट विधायक हैं, वंस यू कम्प्लीट फॉर समवन फिर आप सोसाइटल स्क्वाड के मेंबर हो जाते हैं, और जो आत्मघाती होता है उसको बदलना बहुत कठिन होता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास कई प्लान हैं। इन दिनों की जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत ही एग्रेसिव है, किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ चलती है, और उनको आप बदल नहीं सकते हैं। सर, राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है क्या मध्य प्रदेश? मुझे लगता है अंतिम विकल्प है, बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दरअसल जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सारी संभावनाएँ खत्म हो जाती हैं, चुनी हुई सरकार के विकल्प सारे खत्म हो जाए, तब ऐसा होता है। मुझे लगता है विकल्प बहुत ज़्यादा बाकी हैं, और बहुमत का परीक्षण सदन पर होगा, चाहे केरल का मामला हो चाहे तमिलनाडु का मामला हो, सदन के पटल पर ही सारी चीजें होंगी। आगे चल के क्या विधानसभा और राजभवन में टकराव देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये प्रजातंत्र की तो खूबी है, ये धींगा मस्ती चलती रहती है, ये अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है उसका यही सबसे बड़ा रंग है। सर, आखिरी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि आज जब राज्यपाल अपना अभिभाषण के लिए आए, तो अल्पमत की सरकार, नरोत्तम मिश्रा ने उस पॉइंट को आज कोर्ट किया, वेब दुनिया ने खबर भी की थी कि अल्पमत की सरकार का अभिभाषण कैसे पढ़ सकते हैं, आप एक एक्सपर्ट हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने दो तीन दिन पहले खबर की थी और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के साथ बातचीत की थी, उन्होंने खबर पढ़ी है और वही चीजें कही गई हैं। वो राज्यपाल ने भी कहा, हो सकता है आपकी खबर पढ़ ली हो उनने, और वही नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे, सच्ची है कि अल्पमत की सरकार है, लेकिन कई बार आपकी मजबूरियां होती हैं, लोकाचार होते हैं, लोकाचार करने के लिए वो यहाँ आए थे। भाषण पढ़ा कहाँ उनने? पत्रकारों को 5% पे ऋण दे देंगे और बाद में उस अपने भाषण को घड़ी कर दिया। सर, क्या ये नूरा कुश्ती आगे चलेगी? अभी नहीं चलेगी, 7 दिन की ज्यादा नहीं चलेगी, 7 दिन के अंदर सब कुछ तय हो जाएंगी। मुझे लगता है 26 के पहले सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सर, बीजेपी विधायक अभी सदन में अंदर बैठे हुए हैं धरने पे, सत्यदेव कटारे के नेतृत्व कांग्रेस के विधायक भी 2-3 दिन धरने पे बैठे थे, चलता रहेगा, और इससे मीडिया अटेंशन की सबसे बड़ी कोशिश है।